हेलो बच्चों, वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन और लेकर आए हैं पिछले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हुए। कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q+1। तो बच्चों, ऑड इंटीजर अगर है तो 4q+1 में होगी या फिर 4q+3 होगी, जहाँ पे क्यू कोई इंटीजर रहा होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन भी किया था तो उसमें कई सारी बातें आपको बताई थी। ठीक है, आप पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, हमारा एम बस है 3 से 4 मिनट का वीडियो बना के आपको समझाने का। ठीक है, तो चलो बच्चों समझते हैं। बच्चों एक चीज़ सोचो, अगर 4q लिखा है, यहाँ भी 4q लिखा है, इसका मतलब बी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? 4 होगी। बस आप जितना क्यू देखो आप वहीं से बी की वैल्यू उठाने की कोशिश करो, और अगर बी की वैल्यू 4 होगी तो बच्चों रिमाइंडर फिर क्या मिलने वाले? 4 से, यानी आप डिवाइड करो, डिविजर हो गया ना 4, तो क्योंकि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में बी हमारा डिविजर होता है, चार रिमाइंडर हमारे आने वाले, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हो। तो रिमाइंडर कौन कौन हो गए? 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है बच्चों, 0, 1, 2, 3 चार रिमाइंडर हो गए। तो बच्चों यहाँ पे कितने केस बनने वाले? 4 केस बनने वाले। तो पहला केस हमने क्या किया? केस फर्स्ट, जो हम बी कितना लेंगे? 4 लेंगे, और रिमाइंडर कितना लेंगे? आर इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, तो हमने कहा लेट एनी नंबर बी क्यू प्लस आर हमारी कोई ए नंबर बच्चों रही होगी। ठीक है, हमने क्या कहा? कोई हमारी नंबर है जो कैसी होगी बच्ची? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होती है। ठीक है, ये तो हम पहले जानते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से स्टेटमेंट उन्होंने यही नंबर मानी थी। हम किसी भी तरह से इस नंबर को मान लेते हैं कि हमारी वही नंबर है। तो हमने पहले केस फर्स्ट में क्या रखा? ए इक्वल टू, तो निकलेगा हमारा बी की वैल्यू 4 रखो, तो हो गया 4q+0, कितना आया बच्चों? 4q आया। ठीक है, और अगर हमारी ये नंबर इवन है तो बच्चों 2 का मल्टीपल होनी चाहिए ना, तो 2 इंटू समथिंग दिखाई दे, तो हम क्या करते हैं? 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं और 2q अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 इंटू मिल गया, कुछ नहीं मिल गया। ठीक है ना, तो हमें नंबर मिल गई इस तरह से, हमारी कौन सी 2m फॉर्म मिल गया बच्चों। क्या मिल गया? 2m फॉर्म मिल गया। इसका मतलब जो a थी वो कैसी है बच्चों? इवन है। सो a बच्चों कैसी आ गई? इवन आ गई। तो हम तो ये सोच रहे थे कि शायद बच्चों ये कैसी नंबर आए, a इक्वल टू 4q कैसी नंबर आ जाए, ऑड आ जाए, लेकिन ये तो नहीं आई। क्यों? क्योंकि a इक्वल टू 4q से 2 कॉमन मिल गया, इवन बन गई। तो 4q बच्चों कैसा फॉर्म बन गया? इवन फॉर्म मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, शायद आगे हमारा काम बने। तो आगे हम बच्चों केस 2 लेने जा रहे हैं। केस 2 जब हमने लिया तो उसमें क्या है? बी की वैल्यू हमने ले ली कितनी? 4, जो पहले से वो तो है रहेगी, और आर इक्वल टू बच्चों दूसरा रिमाइंडर कितना ले लिया? 1 ले लिया। तो बच्चों केस इसमें जब सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू क्या मिलेगा? बी क्यू, यानी 4q+1 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कॉमन लेने की आप कोशिश करो। चलो 2 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे कितना मिल गया? 2q रह गया अलग और +1 रह गया। तो बच्चों हमें क्या मिल गया? 2 इंटू ये कुछ है नंबर, इसको बोलो 2m+1, और a इक्वल टू 2m+1, यानी कि आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो m बार टेबल पड़ रहे, और एक रिमाइंडर है, यानी कि a को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिल गया? 1 मिल गया। इसका मतलब a से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर बच्चों a फिर कैसी है? ऑड नंबर है। तो बच्चों आप कह दो कि a कौन था? 4q+1। ये हमारा कौन है? 4q+1 है। फाइनल a तो वही था हमारा। तो बच्चों ये कैसा मिला? ऑड फॉर्म मिला। कैसा बच्चों आया? ऑड फॉर्म आया। तो वही हमें प्रूव करना था, 4q+1 कैसा फॉर्म होता है बच्चों? ऑड फॉर्म होता है। 4q+1 कैसा फॉर्म होता है बच्चों? ऑड फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमने प्रूव कर लिया 4q+1 कैसा फॉर्म आया, ऑड फॉर्म आ गया। अभी तो हमारे 2 केस बाकी है, शायद वो केस हमारे फॉल्स निकले, तो हम क्या करेंगे? अब की बार केस 3 आते हैं, और हमने बी इक्वल टू कितना लिया? 4 लिया। आर इक्वल टू फिर अगला रिमाइंडर उठाओ, 2 उठा लेते हैं। ठीक है, तो हमारा केस से यहाँ से क्या निकला? ए इक्वल टू आ गया, 4q+2 आ गया। हमें 2 कॉमन लेना, जहाँ जहाँ से बच्चों 2 कॉमन मिले वहाँ से लेने की कोशिश करिए। तो 2 से तो 2 मिल जा रहा है, यहाँ 4 से भी मिल रहा है और 2 से भी मिल रहा है, तो हम पूरे से इस बार कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा क्या मिला? 2q+1 मिला। बच्चों ये क्या लिखा हमें नहीं मतलब, ये 2 इंटू है कि नहीं है? 2 इंटू कोई नंबर ही तो है बच्चों ये, तो 2 इंटू कुछ नंबर, इसको बोल दो 2m फॉर्म हो गया। तो हम कह सकते हैं a इक्वल टू अगर 2m फॉर्म है, यानी कि a कौन सा? 4q+2 था। ये कैसा आ गया? 2m फॉर्म। 2m फॉर्म कैसा होता? इवन फॉर्म है बच्चों, ये कौन सा फॉर्म है? इवन फॉर्म है। तो 4q+2 कैसा बच्चों आ गया? इवन नंबर आ गई। तो हमें ये तो नहीं चाहिए थी, हमें तो प्रूव करना है कि सारी नंबर जो और ऑड दिखेंगी वो या तो 4q+3 होंगी या फिर 4q+1 होगी। तो बच्चों हम अगले केस की ओर फिर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला केस में हम b इक्वल टू कितना लेने जा रहे हैं? 4, और r इक्वल टू कितना? लास्ट रिमाइंडर हमारा 3 बचा। तो हम क्या करेंगे? a इक्वल टू मिलेगा 4q+3, और हमें 2 कॉमन लेना है। तो 2 बच्चों यहाँ से कॉमन तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर देखते हैं। तो बच्चों अगर 3 को हम लिखना चाहें तो ऐसे ले सकते हैं, 4q+3 को लिख दो 2+1, ताकि हम यहाँ तक कॉमन ले सकें, ताकि हम इसको सही से 2m या 2m+1 फॉर्म बता सकें। तो हम यहाँ से 2 कॉमन जैसे लेंगे, तो बच्चों यहाँ से 2 तो कॉमन मिल गया, यहाँ मिला 2q+1 और बाहर 1 मिला। तो बच्चों ये 2 इंटू कोई नंबर है, तो इसको 2m बोल दो और +1 मिला। अब ठीक है, क्योंकि हमारा 2 से डिवाइड करने के बाद आप अगर देखो तो रिमाइंडर 1 ही होना चाहिए ना, बड़े से बड़ा रिमाइंडर। आप अगर केवल यहाँ से 2 कॉमन लेते तो ये बच्चों कैसा फॉर्म आपको दिखता? आप ऐसे देखते, फिर 2q और +3, फिर आप कहते 2m+3,
जो कि बच्चों एक अच्छा प्रॉपर मैनर नहीं है करने का, क्योंकि आप कह रहे हैं टू से डिवाइड करने पे तीन रिमाइंडर, जो कि कभी आ ही नहीं सकता है। तो यानी हमारे रिप्रेजेंटेशन फिर गलत है, तो इसको इसीलिए लिखा गया है 2+1 में लिखा गया है। ये बात आप अच्छे समझ लें, ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। क्योंकि टू से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बड़ा से बड़ा 1 ही आ सकता है, 3 यहाँ पे रिमाइंडर आप कह नहीं सकते, फिर तो हमें चेंज करना होगा प्रोसेस को। तो बच्चों इक्वल टू 2n+1 फॉर्म बना, तो कैसा फॉर्म बच्चों? ऑड फॉर्म है। इसका मतलब हमारा जो नंबर था इक्वल टू कौन सा नंबर था बच्चों? 4q+3 था। यानी 4q+3 कैसा फॉर्म बच्चों? ऑड फॉर्म है, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव किया कि जो हमारा 4q था वो इवन फॉर्म है, 4q+1 ऑड फॉर्म है, 4q+2 इवन फॉर्म है, और 4q+3 कैसा बच्चों आया? ऑड फॉर्म। तो हमने अभी तक इतनी सर्च करने के बाद यही पता किया कि जो नंबर है 4q+1 और 4q+3, यही हमारे दो नंबर अगर हैं ऑड फॉर्म अगर है, तो आप 4q के टर्म्स में ऐसे ही ऑड फॉर्म दो ही बना सकते हो, बाकी सारे नहीं, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे? स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है बच्चों। थैंक यू, और आगे इसको शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादातर लोगों तक वीडियो पहुँचे, ठीक है। थैंक यू।